साथी भी सवाल पूछते हैं कि बताओ आप यादव महासभा के कार्यक्रम में जा रहे हो। हमने कहा यूपी की तो पूरी राजनीति जातो धर्म पे हो गई, तो हम क्या करें। बोले आपसे तो आपने तो एक्सप्रेस वे बनाया, आपने तो मेट्रो बनाई, आपने तो लैपटॉप बांटा, आपने तो कभी भेदभाव नहीं किया। तो हमने कहा कि भाई ये बताओ पूरे देश की राजनीति चल रही है दूसरे तरीके से, तो हमारी भी कोशिश है कि हम भी अपने लोगों को जोड़ने का काम करें। हम और आप आगे बढ़े, हमारा इतिहास जब अच्छा है तो हमारा भविष्य भी अच्छा बने। उसके लिए कम से कम हम लोगों को पढ़ाई का साथ तो लेना ही पड़ेगा, पढ़ाई का साथ हमें नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी हालत में। जब कभी भी आगे महासभा में जाऊंगा मैं ये बात कही कि हमें अपने लोगों की शिक्षित करना ही करना है, आने वाली पीढ़ी को भी शिक्षित करना है, क्योंकि वही ताकत बनती जाकर की। और जो दूसरा बड़ा सवाल है, जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है मांगने का, वो हमारे आरक्षण वाला सवाल है। और आरक्षण वाले सवाल पे भी अपनी बात कोई डर के नहीं कहनी। और हम तो कहते हैं कि देश की जो सरकार है वो सबसे ज्यादा डिजिटल सरकार है, जानकारी ज्यादा है उनके पास, हम सब ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। तो हम उनसे कहते हैं कि हमें इधर उधर मत घुमाओ, और जो आप कहते हो वही हम कहते हैं। हम किसी को नाराज नहीं करना चाहते, हम सबको साथ लेकर दिखाना चाहते हैं। और आरक्षण या खुश करना चाहते हैं आप सबको, तो आपके पास तो आधार कार्ड बन गया है। हम समझते हैं सब आधार कार्ड बन गया होगा, इस प्रदेश में भी ऐसे हाथ कर हथकड़िया भैया।